सिमरन खातून है। मेरे पिताजी का नाम इम्तियाज खान है। मेरे पापा मजदूरी करते हैं। हम लोग एक गरीब परिवार से हम बिलोंग करते हैं और मैं अपने परिवार में पहली बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दी हूँ और मेरा 500 में 452 नंबर आया है। जी नहीं, मेरे पिताजी कोई भेदभाव नहीं करते हैं और पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करते हैं हम लोगों का। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हालात की वजह से ऐसा कभी बीच में पढ़ाई छोड़वाने वगैरह का बात कभी पिताजी किए हैं? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। बोलते हैं कि जितना हो सकेगा, जितना मेरा हैसियत होगा पढ़ाएंगे। तो आप क्या करना चाहती हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं या फिर क्या? जी पढ़ना चाहते हैं हम, जहाँ तक हो सके। तो पिताजी आपका सपोर्ट करेंगे, अगर क्या बनना चाहती हैं आगे चल करके? आगे अभी तो कुछ विशेष सोचे नहीं हैं, लेकिन आगे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो पिताजी आपका सपोर्ट करेंगे? पिताजी को तो मालूम नहीं है कि आगे का पढ़ाई क्या होता है नहीं होता है, तो फिर कैसे आप करेंगे? जी तो और लोग हैं ना, मेरे टीचर लोग और सब लोग, वो लोग हेल्प करेंगे। यानी आपके टीचर या आप जो बात आप अपने पिताजी को बताती हो, पिताजी आपके बात को मानते हैं, आपके टीचर को मानते हैं? जी। अच्छा, जो 452 नंबर आपका आया, किसको आप क्रेडिट देना चाहती हैं? ये पहले तो मेरे माता पिता, वो लोग बचपन से मेरे पापा का काम चले ना चले, वो कैसे भी अरेंज करके और पढ़ाई में या फिर किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं किए हैं। फिर मेरे प्रवेश चाचू, वो बचपन से पढ़ाए हैं और पूरा बेस क्लियर किए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं और बहुत मेहनत की हम लोगों के लिए। फिर जब हम 10th में गए तो समीम सर पूरा साल बहुत मेहनत किए और पूरे बच्चों के लिए पूरा साल पूरा जी जान लगाकर मेहनत किए। और फिर मेरे स्कूल के टीचर पवन सर, वो भी बहुत अच्छे से क्लास टीचर में सोशल साइंस पढ़ाते थे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाए हैं और मेरे सारे टीचर्स के आशीर्वाद से आज ये आया है। टीचर लोग तो है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आजकल फ़ोन भी हो गया, ऑनलाइन भी सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है। और फिर हमारे टीचर लोग भी बहुत अच्छे से हेल्प किए हैं, लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं लोग। बहुत बच्चों का पढ़ने का मन तो होता है, लेकिन गाँव में उनके पेरेंट्स लड़की समझ के और नहीं पढ़ा पाते, जिससे उनका सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन बेटियों को भी माँ बाप को पूरा सपोर्ट करना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। मेरा नाम असगरी खातून है। मेरे पिताजी का नाम कैस खान है। पिताजी आगे का पढ़ाई जारी रखेंगे कि छोड़वाएंगे? जी रखेंगे, अभी तो हम अलीगढ़ के लिए फॉर्म भरे हैं। अच्छा अच्छा, जिसमें पास हो जाएंगे तो अलीगढ़ जाएंगे। अच्छा अच्छा, आपका लक्ष्य यानी बड़ा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ना है। तो अपने आप से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगा या किनके द्वारा आपको ये सूचित किया गया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म है उसको भरिए? नहीं, जो हमारे बचपन से टीचर थे परवेज खान, वही वहीं पे पढ़ते हैं, तो उन्हीं से हेल्प लिए हैं। लेकिन आप लड़की होकर के अलीगढ़ जा करके आप रहेंगी, वहाँ पढ़ेंगी, तो आपके पिताजी जो है उनको दिक्कत नहीं होगा आजकल के काल, खास करके माहौल की बात करें तो इनको थोड़ा टेंशन नहीं होगा लड़की होकर के इसको कहाँ भेजना है, घर पे रखें? नहीं, मैं बोली अपने पिताजी से तो ये मेरे पूरे सपोर्ट किए हैं। यानी वहाँ अलीगढ़ जाने के लिए एकदम राजी हैं ये? जी, ये हमारा भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि हम किसी काम के लिए नहीं मोहताज रहे किसी का। सहयोग से किनका किनका क्रेडिट है? जी माता पिता और मेरे टीचर्स। मेरा नाम अनु कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री महावीर शाह है। वही धान वगैरह होता है ना गाँव, उसी को बेच कर। तो पांच बहन को पढ़ाना है, कितना भाई है आप लोग? तीन। तीन, और धान अनाज का दाम कम होना, उसका जो रेट है सही से नहीं मिलना, नहीं लगता कि आपको काफी मुश्किल है? और आपका नंबर आते आते आपके पिताजी आपको पढ़ाएंगे नहीं? पढ़ाएंगे। तो कहते हैं कि आप अपने तरफ से कह रहे हैं कि पिताजी पढ़ाएंगे? नहीं, पिताजी पूरा सपोर्ट करते हैं। नहीं होता है कि अब लड़का बीएड फाइनल कर लिया तब उसी को क्या जाए, लड़की को क्या पढ़ाना है? नहीं, भेदभाव नहीं करते हैं। आपका? मेरा नाम समीम अहमद है, जो अभी मैं एमएस क्लासेस का संचालन कर रहा हूँ। देखिए, इससे पहले ये देखा गया था कि हमारे गांव में अक्सर खास तौर पे शिक्षा के मामले में लड़कियों को दिक्कत होता था, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अगर शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो कई जगह पे होता है कि पैसा का प्रॉब्लम होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फी कम रखा। फी की बात करें तो फी तो आप लोग 300 ने? जी सर, 300 लोग। गाँव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 300 रुपये में कौन पढ़ाएगा भाई? जी सर, तो हम और हमारे एमएस क्लासेस के जितने भी टीम थे, उन लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि इस सामाजिक प्रथा को, पितृ सत्तात्मक समाज के प्रथा को तोड़ना है ताकि आगे लड़की पढ़े और शिक्षा में आगे बढ़े। पैसा का लालच नहीं था उस समय। टूट जाएगा, लेकिन आप लोगों का जो
भरण पोषण होगा, कहाँ से आएगा फिर कैसे? अभी हम लोग युवा हैं, भरण पोषण की क्या चिंता। ये भी कहा जा रहा है कि बेंच वगैरह आपके क्लास जी सर, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे सामाजिक समाज सेवी लोग हैं, जैसे कैश भैया हो गए, उस समय पैसा की दिक्कत थी, लेकिन अक्सर हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि अगर इस पे कदम आगे बढ़ाएंगे तो इस पे हम लोग सफल हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन विचारों को हमने इनके पास रखा और ये अपने लकड़ी या पटरी के पटरी से बेंच बनवा करके और हम लोगों को दिए, लेकिन इनका सपोर्ट रहा है। एमएस क्लासेस, तो एमएस क्लासेस में जितने भी बच्चा आज देखा जाए तो सफल हुए हैं, उनका क्रेडिट कैश भाई को कहीं ना कहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। अगर ये बेंच बनवा के नहीं देते तो बच्चा नीचे बैठ के पढ़ता है, या शहर जैसा जैसे खोजता है कि यहाँ पे बेंच नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं है, यहाँ पे स्केच नहीं है, तो कौन पढ़ेगा? एक और बताइए, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें 500 में 462 नंबर, 452 हाईएस्ट, 452 आया जी पूरे रक्सौल फंड में। अगर उस बच्ची का अगर गार्जियन सपोर्ट नहीं करे तो कोई सिस्टम है, कोई व्यवस्था है आपके क्लासेस में? अक्सर देखा जाता है कि खास तौर पे जिनके पिताजी नहीं रहते हैं, जिनके घर में जिनके रहते हैं, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम मेरे हिसाब से, हम भी गांव समाज में ही रहते हैं, तो जिनके घर में सोर्स ऑफ इनकम कम रहता है उनको फ्री शिक्षा दी जाती है। जैसे जो चीज का अगर जरूरत पड़ा तो अभी आप तैयार हैं देने के लिए? अभी अगर होंगे जो आवश्यकता है, जरूरत है, तो अभी भी दे सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं। एकदम आप तैयार है ना? एकदम तैयार है उसको सहयोग देने के लिए, जो यहाँ गाँव का बच्चा हमारा आगे निकले।